मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। में लॉकडाउन के उल्लंघन की सबसे बड़ी घटना सामने आई, एसआई का हाथ तलवार से काट डाला। आपको बता चलें कि चंडीगढ़ में कोरोना के कहर से जूझ रहे देश के पुलिस बल और डॉक्टरों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े अन्य लोगों द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर जहाँ लोगों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं, वहीं इस विपदा घड़ी में कुछ लोग उन पर हमला व दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज एक सनसनीखेज घटना पंजाब के पटियाला जिले में निहोंगों के एक समूह ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने से रोके जाने पर एक एसआई के हाथ तलवार से हमला कर काट डाले, भागकर गुरुद्वारे में जा पहुंचे। पंजाब के डीजीपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पंजाब पुलिस के कमांडो ने गुरुद्वारे को चारों ओर से घेर लिया और पुलिस पर हमला करने वालों में समर्पण करने के लिए कहा। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बताई जा रही है। पटियाला के एसएसपी मनदीप सिंह सिद्धुत के अनुसार आज सुबह करीब 6 बजे सब्जी मंडी के बाहर पुलिसकर्मी ने जब 4-5 नीले रंग का ब्लास्ट पहने तलवार लिए निहंगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कर्फ्यू पास बारे में पूछा तो इन लोगों ने अपनी गाड़ी से मंडी के दरवाजे बाहर लगाए और अवरोधक टक्कर मार दी। इन लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि पंजाब के कई सिख धर्मगुरुओं ने पुलिस पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोग निहंगे सिख नहीं हो सकते, ये निहंगों के भेष में गुंडे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।